हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु प्रोफेसर अस्पित कौर हेयर तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ये डायग्राम देखो ध्यान से क्या डिपिक्ट कर रही है लाइक like, इस डायग्राम से आपको पता चलेगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं देखो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एक कंपनी को बनाने से पहले फॉर्म करने से पहले बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं वो डिसीजन कौन लेता है उन्हें क्या कहा जाता है उनकी क्या फंक्शन होते हैं ठीक है ठीके? तो इन चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर बात करेंगे तो हमारा चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी तो जब भी हमने कोई कंपनी बनानी होती है तो उसके अंदर चार स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं फोर स्टेप्स टू बी फॉलोड फर्स्ट वन इज़ प्रमोशन ऑफ़ अ कंपनी सबसे पहले आता है कि हमने कंपनी की प्रमोशन करनी होती है फिर इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हो ऑफ अ कंपनी फिर फ्लोटेशन और रेजिंग ऑफ कैपिटल एंड लास्ट वन इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बिजनेस की स्टार्टिंग करनी तो जब भी हम कोई कंपनी बनाते हैं तो हम फोर स्टेप्स फॉलो करते हैं तो बच्चे इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे प्रमोशन ऑफ अ कंपनी ठीक है देखो प्रमोशन प्रमोशन करना एक प्रीलिमिनरी स्टेज है मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग वाली स्टेज इसके अंदर नेसेसरी स्टेप्स लिए जाते हैं कि हमने कंपनी को कैसे रजिस्टर करवाना है ठीक है और ये प्रोसेस होती है जिसके अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है बिजनेस को प्लान किया जाता है और फाइनेंसिस के बारे में डिसीजन लिए जाते हैं मतलब सब कुछ एक ब्लूप्रिंट आप कह सकते हो प्रमोशन ऑफ अ कंपनी एक प्रीलिमिनरी स्टेज होती है जिसके अंदर सब कुछ पहले डिसाइड किया जाता है कि कैसे रजिस्टर करवानी है कैसे ऑर्गेनाइज करना है कैसे प्लानिंग करनी है और फाइनेंसिस कहाँ से अरेंज करने हैं तो जो लोग ये टास्क परफॉर्म करते हैं ठीक है प्रमोशन के टास्क परफॉर्म करते हैं उन्हें प्रमोटर्स कहा जाता है क्या कहा जाता है प्रमोटर्स क्लियर हो गया तो so, इसके अंदर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है दैट इज़ बार बार आता है प्रोमोटर्स कौन होते हैं वो फाइव मार्क्स में भी आ सकता है और फिफ्टीन में आ सकता है कि प्रोमोटर्स कौन होते हैं उसकी लीगल पोजीशन क्या होती है या फिर उसकी लाइबिलिटीज या राइट्स क्या होते हैं ठीक है थीके? तो इसके फर्दर प्रोमोटर्स के बारे में हम बात करेंगे क्लियर तो यहाँ तक क्लियर हो गया अब हम बात करते हैं कि प्रोमोटर कौन होते हैं अंडर क्शन टू एक्ट 2013 क्या कहता है वो लोग जिनका नाम या तो प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है या फिर जो अपने नाम पे रिटर्न एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं एज पर सेक्शन 92 क्या लिखा है और इज आइडेंटिफाइड बाय द एनुअल रिटर्न एज पर सेक्शन 92 या फिर जिनके हाथों में कंट्रोल है कंपनी का कंपनी के अफेयर्स का कंट्रोल जिनके हाथों में है उन्हें प्रमोटर्स कहा जा सकता है अब कंट्रोल कैसा है वो डायरेक्ट कंट्रोल भी हो सकता है इनडायरेक्ट कंट्रोल भी हो सकता है ठीक है चाहे वो कोई शेयर होल्डर है चाहे डायरेक्टर है या कोई भी और पर्सन तो उसे हम क्या कहते हैं प्रमोटर कहते हैं और वो बंदा जिसकी एडवाइस पे जिसकी डायरेक्शंस पे जिसकी इंस्ट्रक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्क करते हैं अ टू एक्ट तो प्रोमोटर्स कौन हुए चाहे वो कोई चाहे वो कोई बंदा जिसका नेम प्रोस्पेक्टस में लिखा है चाहे उसका नेम एनुअल रिटर्न में लिखा है या फिर वो जिसका जिसके हाथों में कंपनी के अफेयर्स का कंट्रोल है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाहे वो कोई शेयर होल्डर है चाहे वो कोई डायरेक्टर है चाहे कोई और है जिसकी एडवाइस जिसकी डायरेक्शंस और जिसकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं वो कौन होते हैं प्रोमोटर्स क्लियर हो गया अब प्रोमोटर्स के फंक्शंस क्या होते हैं फटाफट से डिस्कस करेंगे अमाउंट ऑफ कैपिटल हमें इसके लिए रिक्वायर्ड होगी और उसके अंदर कितना रिस्क इन्वॉल्व होगा तो ये चार बातें आप याद रखो यू कैन ईजिली एक्सप्लेन दिस पॉइंट डिस्कवरी ऑफ आइडिया में वो लोग इन चार बातों के ऊपर डिस्कवर करते हैं ठीक है फिर उनका फंक्शन होता है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन अब इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ के बारे में करते हैं रिगार्डिंग कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्शन प्रोसेस डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ये जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये पीपीटी होती है कि पीपीडी होती है पीपीडी नहीं आई थिंक पीपीटी पीपीटी होती है पीपीटी होती है लेकिन आपने याद क्या करना है पीपीडी पीपीडी पी पी डी स्टैंड फॉर प्रॉफिटबिलिटी प्रोडक्शन प्रोसेस डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट प्रोफिटेबिलिटी प्रोडक्शन प्रोसेस डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और चौथा आप याद कर लो कॉस्ट तो इन चार चीजों के बारे में वो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं ठीक है फॉर इन्वेस्टिगेटिंग इन्वेस्टिगेशन प्रमोटर्स टू हेल्प ऑफ किसकी हेल्प लेते हैं वो किसी स्पेशलिस्ट की हेल्प ले सकते हैं या किसी एक्सपर्ट की जैसे कि सी ए या फिर इंजीनियर्स वगैरह की तो इन लोगों की वो हेल्प लेते हैं ठीक है फिर थर्ड पॉइंट आता है असेंबलिंग ऑफ रिसोर्सेज किस तरह की रिसोर्सेज फिर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं परचेज करते हैं मटेरियल लैंड मशीनरी रिक्रूटमेंट ऑफ़ द स्टाफ एटसेट्रा ठीक है तो वो रिसोर्सेज को असेंबल करते हैं फिर आ जाता है प्रिपेयरिंग प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स अब प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं तीन डॉक्यूमेंट होते हैं जो वो लोग पहले से प्रिपेयर करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन प्रोस्पेक्टर्स फिर से बोलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टर्स ठीक है फिर आता है एंटरिंग इन टू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट अभी ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है देखो अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई स्टार्ट नहीं हुई अभी लेकिन उससे पहले उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करने पड़ते हैं जो कि प्रोमोटर्स साइन करते हैं ठीक है प्रोमोटर साइन अ कॉन्ट्रैक्ट फिर जब कंपनी इनकॉर्पोरेट uh, हो जाती है तो कंपनी की सील उसके ऊपर आएगी मैंने बताया ना कि कॉमन सील होती है कंपनी की अगर कॉमन सील ना हो तो दो डायरेक्टर सिग्नेचर कर सकते हैं अगर दो डायरेक्टर्स नहीं कर रहे तो एक सी और एक डायरेक्टर भी सिग्नेचर कर सकता है और ये चेंज कब आया था टू के अंदर ठीक है तो कहते हैं कि जब इनकॉर्पोरेशन हो जाती है तो उसके बाद कंपनी खुद अप्रूव करती है उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकिन केस कंपनी अप्रूव ना करे तो प्रमोटर पर्सनली लाइबल हो जाएगा उस चीज के लिए बट इफ ड्रूव द कॉन्ट्रैक्ट देन प्रोमोटर्स आर पर्सनली लाइबल फॉर दैट फिर पॉइंट आता है नेमिंग ऑफ कंपनी अब नेम भी कौन डिसाइड करता है प्रमोटर्स डिसाइड करते हैं कि कंपनी का नाम क्या होगा और वो नेम किसी और कंपनी के साथ आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए सेम नहीं होना चाहिए चाहिए इट मस्ट बी डिफरेंट ठीक है फिर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स सॉलिसिटर्स एंड अंडर तो प्रमोटर्स ही कंपनी के लिए बैंकर को अपॉइंट करते हैं सॉलिसिटर्स को अपॉइंट करते हैं अंडर राइटर को अपॉइंट करते हैं अंडर राइटर आपको पता है कौन होता है अंडर राइटर होता है वो बंदा जो आपको एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि अगर आपके शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करेगी तो मैं आपके शेयर्स परचेज कर लूंगा वो लिमिट कोई भी हो सकती है मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने वन थाउजेंड शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए ठीक है मुझे नहीं पता मेरी कंपनी का अभी नाम नहीं है तो मुझे पता नहीं है कि लोग मेरे कंपनी के शेयर्स परचेज़ करेंगे कि नहीं करेंगे और दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरी नाइन्टी परसेंट सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए ठीक है तो हम क्या करेंगे कुछ लोग होते हैं जो अंडर राइटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बैंक के पास गई जो अंडर राइटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उस बैंक ने मुझे बोला कि मैं आपके 800 हंड्रेड शेयर्स अंडर राइट कर देता हूँ समझ गए मैंने थाउजेंड शेयर्स ऑफर किए हैं पब्लिक को तो उसने 800 हंड्रेड शेयर्स की आ, मुझे गारंटी दे दी कि अगर ना सेल हुए ठीक है तो मैं 800 हंड्रेड शेयर्स आपके ले लूंगा तो अगर मान लो पब्लिक ने मेरे 600 हंड्रेड शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए ले लिए 600 तो अंडर राइटर ने कितनी बोली थी अंडर राइटर ने कहा था 800 हंड्रेड शेयर्स तो ऐसा नहीं है वो 800 हंड्रेड शेयर लेगा वो बचे हुए शेयर लेगा। प्रायोरिटी हमेशा पब्लिक रहती है हमेशा पब्लिक रहती है प्रायोरिटी तो पब्लिक ने जितने सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है, बाकी बचे हुए मेरा लिएटर ले लेगा ले क्लियर हो गया तो यहां पे इस केस में मेरी 100% परसेंट सब्सक्रिप्शन हो गई 600 मेरी पब्लिक ने ले लिए और इसने मेरे को 800 की गारंटी दी थी तो मेरे पास बचे ही फोर है तो फोर इसने ले लिए ठीक है तो Uh, जो प्रमोटर्स होते हैं वो कंपनी के लिए अंडर राइटर्स को अपॉइंट करते हैं ताकि सेल ऑफ़ कंपनी सिक्योरिटी एश्योर की जा सके सॉलिटिसिटर्स को अपॉइंट करते हैं जो कि लीगल मैटर्स के साथ डीलिंग करते हैं और बैंकर्स को अपॉइंट करते हैं ताकि हमें कैपिटल की फाइनेंस की कोई कमी ना आए स्मूथ फाइनेंशियल डीलिंग्स क्लियर हो गया सो दीज वर फंक्शंस ऑफ द प्रमोटर जो फंक्शंस प्रमोटर परफॉर्म करता है अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है लीगल पोजीशन ऑफ दी प्रमोटर प्रमोटर की लीगल पोजीशन क्या होती है तो कई बार क्वेश्चन यही आ जाता है आपको प्रमोटर कौन होते हैं एंड व्हाट इज लीगल पोजीशन ऑफ दी प्रमोटर तो जो प्रमोटर है वो हमेशा फ्यूडिशरी पोजीशन के ऊपर होता है टुवर्ड्स द कंपनी अब आप लोग बोलोगे फ्यूडिशरी पोजीशन होता क्या है इसका मीनिंग देख लो रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज दैट ऑब्लिगेट्स वन टू एक्ट सोलली इन द इंटरेस्ट ऑफ द अदर मतलब कंपनी और प्रमोटर के बीच में कैसा रिश्ता है कि प्रमोटर के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में सोच सकता है मतलब कंपनी से खुद कुछ गेन नहीं कर सकता उसने जो भी करना है वो कंपनी के फायदे के लिए करना है कंपनी के बेनिफिट के लिए करना है समझ गए फ्यूडिशरी का मतलब ठीक है अब ये जो बातें हैं वो कुछ पॉइंट से क्लियर होती है कुछ कॉन्सिक्वेंस से क्लियर होती है प्रमोटर कैन नॉट मेक इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी खर्चा कंपनी कर रही है लेकिन प्रॉफिट प्रमोटर अर्न नहीं कर सकता विदाउट द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ द कंपनी अगर कंपनी को पता है और कंपनी कंसेंट दे रही है तब वो कर सकता है अदरवाइज वो कंपनी के खर्चे के ऊपर कोई भी अपना प्रॉफिट नहीं बना सकता ठीक है ड्यूटी अब फुल को मैंने रेड में क्यों करा है मतलब ऐसा नहीं है कि पार्शल डिस्क्लोजर कर दे आधी बात नहीं बतानी फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए अगर वो फुल डिस्क्लोजर नहीं करता तो कंपनी कल को उसे सीयू कर सकती है उसके ऊपर केस कर सकती है और जितना भी प्रॉफिट उसने कंपनी के एक्सपेंस के ऊपर बनाया है अपना कंपनी उसे वापस ले सकती है क्लियर हो गया तो प्रमोटर कंपनी के एक्सपेंस के ऊपर अपना कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता अगर वो करता है तो फुल डिस्क्लोजर करे तो अगर कंपनी कंसेंट दे देती है तो ठीक है लेकिन अगर वो फुल डिस्क्लोजर नहीं करता पार्शल डिस्क्लोजर करता है तो कंपनी कल को उसे स्यू कर सकती है और डैमेजेस को वो क्लेम कर सकती है ठीक है ये हो गया ना रिकवर कर सकती है मतलब क्लेम कर सकती है अब सेकेंड पॉइंट क्या आता है कैन नॉट डिराइव प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी टू द कंपनी पहले पॉइंट में क्या डिफरेंस है उसमें है कि कंपनी ने खर्चा किया है और प्रॉफिट वो कर रहा है ऐसा नहीं हो सकता सेकेंड पॉइंट क्या है कि वो अपनी प्रॉपर्टी प्रोमोटर के पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी है और वो सेल कर रहा है कंपनी को और वो भी प्रॉफिट के ऊपर वो ऐसा नहीं कर सकता अनलेस ऑल मटेरियल फैक्ट्स आर डिस्क्लोस्ड जब तक कि वो फुल डिस्क्लोजर नहीं देगा वो ऐसा नहीं कर सकता अंडर दिस सिचुएशन कंपनी क्या कर सकती है या तो कंपनी रेप्यूडेट कर देगी सेल को मतलब मान लो उसने अपनी प्रॉपर्टी जो कि उसने दो लाख की खरीदी थी ठीक है वो कंपनी को सेल कर रहा है टू लैक फिफ्टी में और वो भी बिना बताए तो यहां पे वो बताएजेंड का प्रॉफिट अर्न कर रहा है वैसे तो वो ये नहीं कर सकता तो कल को अगर कंपनी को पता चल गया कि इसने कि इसने विदाउट एनी नॉलेज ये मेरे को फिफ्टी के प्रॉफिट के ऊपर सेल कर रहा है तो वहां पे कंपनी या तो रेप्यूडेट uh, कर सकती है रिजेक्ट कर सकती है सेल को कि मैंने नहीं लेनी है प्रॉपर्टी या फिर वो अफर्म भी कर सकती है मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तो एक्सेप्ट कर लेगी लेकिन प्रॉफिट जितना बना है वो रिकवर कर लेगी मतलब वो कहेगी कि ठीक है प्रॉपर्टी तो मैं लूंगी लेकिन दो लाख की ही लूंगी फिफ्टी थाउजेंड मैं नहीं पे करूंगी या अगर कंपनी पे कर चुकी है टू लाख फिफ्टी थाउजेंड तो वो कहेगी फिफ्टी थाउजेंड मेरे वापस करो कि प्रॉपर्टी टू लाख की ही मैं परचेज करूंगी क्लियर हो गया अब इसी के अंदर एक लीडिंग केस आता है इरलैंगर वर्सेस न्यू कंपनी इरलैंगर 1878 के अंदर तो इसमें क्या हुआ सबसे पहले इस केस को समझने के लिए हमें सिंडिकेट का मतलब पता होना चाहिए सिंडिकेट क्या होता है सिंडिकेट होता है अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस कंबाइंड टू प्रमोट अ कॉमन इंटरेस्ट डेफिनेशन कुछ मिलती जुलती है ना कंपनी के साथ लेकिन डिफरेंस क्या है कंपनी रजिस्टर करवाई जाती है अंडर द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन या फिर एनी प्रीवियस लॉ ये इसके लिए कोई इस तरह की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई ठीक है तो सिंडिकेट का मतलब है कि वैसे ही लोग इकट्ठे होके एक हो कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं तो एक सिंडिकेट था ठीक है जिसके जिसका हेड था ई e. एक सिंडिकेट था एक ग्रुप ऑफ पीपल था जिसका हेड था ई e. e. ने क्या किया ई e. ने एक आइलैंड परचेज किया ई e ने एक आइलैंड परचेज किया containing mines of phosphate. उसके नीचे mines थे, mines of phosphate थे. ठीक है, कितने का 55, का. परचेज किया? हुआ यहां तक, एक था, था मतलब तो उसका ई. E. E ने खुद परचेज किया एक आइलैंड, 55,000 पाउंड्स के ठीक है और वो आइलैंड कंटेनिंग माइंस ऑफ फोर्स था थीके? उसके नीचे माइंस ऑफ फोस्फेट थे तो इसने क्या किया ई ने इसको सेल करने के लिए पहले तो एक कंपनी बनाई ई फॉर्म द कंपनी टू बाय दिस आइलैंड, ठीक है ई ने एक कंपनी बनाई कंपनी बनाने के बाद उसने क्या किया कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड बिटवीन एक्स नॉमिनी ऑफ इंडिकेट ठीक है एंड द कंपनी एट द रेट वन टेन थाउजेंड पाउंड तो क्या चल रहा है यहाँ पे उस बंदे ने खुद मतलब आप समझ लो ई क्या है प्रमोटर है उसने खुद जो है फिफ्टी फाइव थाउजेंड की प्रॉपर्टी परचेज करी ठीक है लेटर ऑन इस प्रमोटर ने एक कंपनी बनाई और कंपनी के थ्रू ये उसको बाय करके प्रॉफिट अर्न करना चाहता था इसने कंपनी बनाई ठीक है कंपनी बना के इसने उस आइलैंड की जो आ, डीलिंग थी वो सिंडिकेट के नॉमिनी दैट इज एक्स एक्स के साथ कितने में करी वन लैख टेन थाउजेंड पाउंड में तो ये वही केस हो गया ना डिस्कलोजर नहीं किया इसने और अपनी प्रॉपर्टी बेच के ये पैसे कमाना चाहता है ठीक है में उसने डीलिंग कर ली पर द डिटेल्स वर नॉट डिस्कलोज टू तो द शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स तो इस चीज को रिसेंड किया जा सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है ये सेल वैलिड नहीं मानी जाएगी क्लियर हो गया तो प्रमोटर को बताना पड़ेगा कि मैंने ये में किया है 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 और अब मैं आपको 1, 10, का बेचना चाहता क्योंकि इसके अंदर तो तो अगर कंपनी करेगी तो फिर वो profit बना सकता है। लेकिन बिना डिस्क्लोज किए वो प्रॉफिट बना नहीं सकता तो इस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कर दिया गया ठीक है थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है लीगल पोजिशन uh, का प्रमोटर प्रॉपर्टी कि जो प्रमोटर अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को बेचना चाहता है वो पूरी तरह से डिस्क्लोज करे कि उसका क्या इंटरेस्ट है इस ट्रांजेक्शन के पीछे कि वो क्यों बेचना चाहता है कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी ठीक है फुल डिस्क्लोजर करे द डिस्लोजर में भी मेड किस किस को कर सकता है चाहे तो वो किसी इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बता दे कि मैं क्यों बेचना चाहता हूँ चाहे वो आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन में लिख दे मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बता दो प्रोमोटर क्यों अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है कंपनी को को ठीक है है में बता बता सकते सकते हो हो या फिर किसी भी शेयर होल्डर तो चार हैं किस किस के साथ बात कर सकता है वो प्रमोटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बता सकता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख सकता है प्रोस्पेक्टस में लिख सकता है या फिर शेयर होल्डर के साथ बात कर सकता है डायरेक्टली तो लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है प्रमोटर शेल नॉट मेक एन अनफेयर और अनरीजनेबल यूज ऑफ हिज पोजिशन प्रमोटर अपनी पोजिशन का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकता जिससे कि वो किसी को अनड्यू इन्फ्लुएंस करे या किसी के साथ फ्रॉड करे क्लियर हो गया ही मस्ट टेक केयर टू अवॉइड एनीथिंग विच हैज दस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड तो ये चार बातें जो हैं वो ये पूरी तरह से शो करती हैं कि जो प्रमोटर है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के इंटरेस्ट में काम कर सकता है कंपनी से अपना कोई बेनिफिट नहीं ले सकता और वो किस पोजीशन पे स्टैंड करता है फ्यूडिशरी पोजीशन फ्यूडिशरी का मतलब होता है दो लोगों में ऐसा रिलेशनशिप होना जिसमें एक ऑब्लिगेट है दूसरे का सिर्फ फ़ायदा सोचने के लिए मतलब प्रमोटर के ऊपर ऑब्लिगेशन है वो सिर्फ कंपनी का फायदा करेगा या कंपनी के फायदे के बारे में सोचेगा वो कंपनी से अपना कोई बेनिफिट नहीं कर सकता सो so, हम कर रहे थे पॉइंट फॉर्मेशन प्रमोशन ऑफ अ कंपनी राइट प्रमोशन ऑफ अ कंपनी अभी तक फिनिश नहीं हुआ है द रेस्ट विल बी इन नेक्स्ट वीडियो तो यहाँ तक अच्छे से देख लीजिए किसी भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डे जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ बाय बाय